ये घटना घटी है। आप रही मेरे साथ में, बारामूला से एक अपडेट है। बारामूला जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ की खबर है, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को यहां पर ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और ये जो आतंकी घेरे गए हैं, इन्हें ढेर करने के उद्देश्य से सुरक्षा बल लगातार आगे बढ़ रहे हैं। या तो जिंदा पकड़ा जाए ताकि इनसे बाकी राज उगलवाए जा सके, इनके साथियों को लेकर जानकारी मिल सके, या फिर इन आतंकियों को ढेर कर किया जाए। ये लगातार कोशिश सुरक्षा बलों की हो रही है। इन सब के साथ ही जम्मू कश्मीर से एक और अपडेट, जहां पर आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है कठुआ में। कठुआ जहां पर सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। कठुआ के कंधार में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ कठुआ जहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया है, और वहीं दूसरी तरफ एक आतंकी के ढेर होने की खबर, यानी अलग अलग जगह ये ऑपरेशंस जारी हैं। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी खास कहा जा रहा है। अजय मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, ये जो अलग अलग जगह ऑपरेशंस चल रहे हैं, इन ऑपरेशंस के बारे में आप अपडेट दे रहे हैं। उधर जहां पर सेना के 2 जवान हमने खो दिए, शहीद हो गए, लेकिन इधर जो 2 ऑपरेशंस हैं, एक जगह 2 आतंकी, एक जगह एक आतंकी को ढेर किया, बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी ढेर। देखिए, बिल्कुल लगातार जो है ऑपरेशन तेज चल रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो पिछले 3 दिनों में ये तीसरी मुठभेड़ जो है वो शुरू हुई है। सबसे पहले उधमपुर के बसंतगढ़ के इलाके में जो है मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। उसके बाद जो है मुठभेड़ शुरू हुई किश्तवाड़ में, जहाँ पर सेना के जो जवान थे, जब वो सर्च ऑपरेशन के लिए गए वहाँ पर आतंकी छुपे हुए थे, उनके साथ मुठभेड़ हुई है, जहाँ 2 सेना के जवान शहीद हुए हैं, 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। जबकि तीसरी मुठभेड़ जो है आज सुबह तड़के बारामूला में हुई है। दरअसल बीती रात कुछ इनपुट सुरक्षा बलों को मिला था, जिसके बाद वहां पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसी दौरान जो है आतंकियों को वहां पे घेरा गया है। और सुबह तड़के जो है एक ताज़ा जो गोलीबारी है वो तेज़ हो गई है, और कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर भी 2 से 3 आतंकी जो छुपे हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। मंशा बड़ी साफ है सुरक्षा बलों की कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की जो गतिविधियाँ लगातार, जिनको थाम लिया गया था, जिनको ख़त्म कर दिया गया था, उसको बढ़ने नहीं देना है। पाकिस्तान तमाम कोशिशें कर रहा है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से अशांत किया जा सके और दुनिया में पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर का रोना रो सके, मगर ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। उसी को लेकर सुरक्षा बलों के पुख्ता बंदोबस्त जो हैं वो किए गए हैं। आपको ये बता दें कि पिछले अगर आप देखें तो लगभग 2 सप्ताह में पाकिस्तान लगातार बौखलाहट में किस तरह की गतिविधियां कर रहा है। नौशहरा सेक्टर से घुसपैठ की आतंकियों की कोशिश करवाई गई पाकिस्तानी सेना की तरफ से, वहां 2 आतंकी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार राजौरी में 2 जगह पर आतंकी जो छुपे थे उनको जो है वहां पर एक्टिवेट किया गया, और जिसके बाद उनको ट्रैप करके सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़े जो है वो रजौरी में देखी गई अलग अलग इलाकों में। हालांकि वहां पर कोई भी आतंकी नहीं मारा गया और ना कोई अपना नुकसान हुआ, मगर तीसरी घटना जो है वो बीएसएफ के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की कोशिश जब जो कर रहे थे आतंकी उन्होंने की, बीएसएफ की चौकियों पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और अब 3 दिनों में 3 घटनाएं, जो कि पहली उधमपुर के बसंतगढ़ में जहां 2 आतंकी मारे गए, किश्तवाड़ में 2 जवानों की शहादत हुई, वहां मुठभेड़ चल रही है, और तीसरी घटना जो बारामूला में इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। तो ये तमाम चीज़ें बताती है कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं पाकिस्तान बौखलाहट में है, और पाकिस्तान की मंशा, पाकिस्तान की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियों को तेज़ किया जाए, चुनावों में कहीं खलल डाला जाए, ताकि चुनावों के वक्त में लोग जो हैं घरों से बाहर निकल कर ज़्यादा वोटिंग ना कर दें। आपने कहा कि अलग अलग जगह ये जो घटनाएं घट रही हैं, बड़ा ऑपरेशन यहाँ चल रहा है, मुठभेड़ अभी भी जारी है, एक जगह एक आतंकी, एक जगह 2 आतंकी ढेर हो गए, एक जगह हमारे 2 जवान शहीद भी हो गए, अलग अलग जगह ये जो ऑपरेशन बड़े स्तर पर चल रहे हैं, ये इसीलिए चल रहे हैं ताकि आतंक की जड़ों तक वार किया जाए और आतंक का जड़ से खात्मा हो। लेकिन अजय, जैसा आप इससे पहले कह रहे थे कि इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे इन घटनाओं में या इन कोशिशों में इजाफा हो रहा है, पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए भी क्या ये घटनाएं बढ़ी होंगी? देखिए, जैसे चुनाव पास आ रहे हैं उसके बाद इस तरह की घटनाओं की आशंका पहले से जताई जा रही थी, क्योंकि खासतौर पे आपको बताऊं, कल इंडिया न्यूज़ ने ही ब्रेक किया था कि कैसे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और उनकी जनसभाओं को टारगेट किया जा सकता है, वीआईपी जो मूवमेंट होगी उनको निशाना बनाने के प्रयास हो सकते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें तो पहले गृहमंत्री आए थे, उसके बाद राजनाथ सिंह जो है रामबन आए, और अब जब डोडा डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर की रैली होने वाली है और किश्तवाड़ में ये आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती है, तो ये
कहीं ना कहीं कोशिश की, जब प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में है तो यकीनन दुनिया की नज़र जो है वो जम्मू कश्मीर में होती है, प्राइम मिनिस्टर पर होती है, तो उस वक्त इस तरह की वाक़या को, वारदात को अंजाम देने का मकसद पाकिस्तान और इन आतंकियों का क्या होगा, ताकि वो जम्मू कश्मीर को सुर्खियों में ला सके। मगर सुरक्षा बल पूरे तरीके से मुस्तैद हैं और प्राइम मिनिस्टर की जहाँ पर रैली होने वाली है वहाँ पर पुख्ता बंदोबस्त जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हैं, जबकि इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं आतंकी उन तक पहुंचा जा सके और उनको भी जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। अच्छा, कितनी देर रहना है पीएम मोदी को इस दौरे के दौरान, चुनावी भाषण जब वो देंगे? देखिए, लगभग एक घंटे के करीब जो है प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे रहेंगे डोडा में और वहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद उनको हरियाणा एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए निकलना है। जो मल्टीपल टियर सिक्योरिटी है वहाँ पर, लेवल की सिक्योरिटी है वहाँ पर लगाई गई है, चाहे वो आउटर गार्डन हो या इनर गार्डन हो, उनको तमाम चीज़ों को जो है वो पुख्ता तौर पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो वहाँ पर है, सेना जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के खास पे डोडा और किश्तवाड़ के इलाकों में तैनात है। कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इस माहौल को सुरक्षित बनाया जाए, जो लोग वहां पर जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं उनको प्रॉपरली फ्रिस्क करके अंदर भेजा जाएगा और उसके बाद वहां पर वो जनसभा को जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो सुन पाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर पहले भी इस चीज़ को कह चुके हैं कि आतंकवाद या पाकिस्तान जो मर्जी करे, मगर जम्मू कश्मीर में शांति बहाली को डिस्टर्ब करने की जो है इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान अगर जम्मू कश्मीर खासतौर पर चुनावों के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मुझे याद आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी जब पीएम मोदी खुद पहुंचे थे तब भी चर्चाएं बहुत ज्यादा थी और ऐसे में अब लगातार बड़े चेहरों का पहुंचना है, इस माहौल के बीच में भी पीएम मोदी का जाना, यह भी एक बड़ा संदेश दुश्मन देश तक पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया अजय जंडियाल आपका ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर।